हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर्णाज किचन। मैं हूँ अपर्णा। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ किचन टिप्स जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और हम सभी को पता होने चाहिए। और इन छोटी छोटी किचन टिप्स से किचन का काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और इससे हमारा टाइम बचता है। तो ये किचन टिप्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, नंबर वन टिप है नींबू के बारे में। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में नींबू का बहुत यूज़ होता है खाने में या फिर किसी ब्यूटी टिप्स में। तो देखिए, ये नींबू जब भी हम मार्केट से लाते हैं तब तो ये बहुत अच्छे होते हैं, बट 2-3 दिन के बाद ये नींबू या तो सूख जाते हैं या फिर ये बहुत अजीब से हो जाते हैं, सड़ जाते हैं अजीब टाइप से। तो उस टाइप से ये ना हो तो उसके लिए मैं आपसे एक टिप शेयर करूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं एक डिब्बा ले लूँगी, आप कोई सा भी जार ले लें, कांच का जैसा मैंने लिया है, प्लास्टिक का वो, या फिर ये ग्लास, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने ये डिब्बा लिया हुआ है, तो मैं इस डिब्बे में ये सारे नींबू डाल दूंगी और अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो पानी इतना डालें कि नींबू के ऊपर पानी रहे, नींबू पानी के अंदर ही रहें। तो इसमें अब मैं पानी भर दूंगी और पानी ये नॉर्मल है। अब देखिए, पानी मैंने ऊपर तक भर दिया है, जितना नींबू है उससे ऊपर पानी रहना चाहिए। अब इसकी लिड बंद कर देंगे और इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे। तो इसका पानी आप हर रोज़ बदलते रहिए, तो पानी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से ये नींबू हमारे लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप ये टिप्स आजमा के देख लेना। तो वैसे तो फ्रिज में रखने से भी नींबू सूख जाते हैं, बट इस तरह से आप रखेंगे, स्टोर करेंगे, तो बिल्कुल भी नींबू नहीं सूखेंगे, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे और हमारे नींबू बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारी सेकेंड टिप है धनिया के बारे में। तो आजकल गर्मियों में धनिया बहुत ही जल्दी सूख जाती है। तो देखिए, मार्केट से हम इतनी अच्छी धनिया लाते हैं, बट घर में आते ही ये 1-2 दिन में बहुत ही अजीब सी हो जाती है, सूख जाती है। कितनी भी हम इसे अच्छे से रख लें बट ये सूख जाती है या फिर सड़ जाती है। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी धनिया स्टोर करने का जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो धनिया या फिर कोई हरी सब्जी आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है, तो आप न्यूज़पेपर ले लें या फिर बटर पेपर ले लें, तो उसमें इस तरह से धनिया को रैप कर लें। और मैंने न्यूज़पेपर लिया है, तो न्यूज़पेपर तो सभी के घर में होता है, तो मैं इजी से इजी तरीका बता रही हूँ आपको धनिया स्टोर करने का। तो अब ये देखिए, एक्स्ट्रा पेपर है, इसे मैं निकाल दूँगी कट करके और दोनों साइड से मैं इसे अच्छे से फोल्ड कर दूँगी इस तरह से। और इस तरह से आप अगर धनिया को रखेंगे तो धनिया को आप लंबे समय तक ऐसे ही पाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी धनिया। तो है ना ये काम की टिप्स। अब मैंने ये प्लास्टिक का बॉक्स लिया है, इसमें इस तरह से इसको रख दूंगी। तो जब भी आपको यूज़ करना है तो थोड़ी सी इससे से निकाल लीजिए और फिर इसी तरह इसको रैप करके रख दीजिए। अब मैं इसकी लिड बंद कर दूंगी और अब मैं इस बॉक्स को रख दूंगी फ्रिज में। तो आप इस तरह से धनिया या फिर कोई भी हरी सब्जी इस तरह से न्यूज़पेपर में रैप करके रख सकते हैं, तो इसका जो मॉइस्चर होगा वो पेपर ऑब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी धनिया बिल्कुल भी नहीं सड़ेगी ना ही सूखेगी। तो इसी तरह बाकी हरी सब्जियों को भी आप स्टोर कर सकते हैं पेपर में रैप करके। तो इस तरह से स्टोर करेंगे सब्जियों को तो ना ही सूखेंगी और ना ही ख़राब होंगी। तो है ना बहुत काम के टिप्स, तो छोटे छोटे टिप्स हैं बट बहुत काम के हैं। तो इससे हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, टाइम बचता है। अब हमारी थर्ड टिप है चीनी के बारे में। तो चीनी में अक्सर बारिश में या फिर कभी भी चींटियाँ हो जाती हैं, तो चींटियों से बचाने के लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी। और फ्रेंड्स, जब भी चीनी में चींटियाँ हो जाती हैं तो बहुत अजीब लगता है, कभी हम रात में यूज करते हैं चीनी। तो देखिए, इस तरह से आप इसमें 3 से 4 लौंग ऐड कर दें। अब इसका लिड बंद कर दें, तो अब हमारी चीनी बिल्कुल ही सेफ है, इसमें बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं आएंगी लौंग की खुशबू से। तो देखिए, इस तरह से आप इसे अपने किचन में स्टोर कर सकते हैं कहीं भी। अब हमारी फोर्थ किचन टिप है ब्रेड क्रम्स के बारे में। तो ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने घर पे ही बनाए हैं। तो ब्रेड क्रम्स का यूज हम लोग रेसिपी में करते हैं कोटिंग के लिए, जैसे कबाब है या फिर कटलेट्स हैं। तो अगर इन्हें इस तरह से स्टोर करेंगे तो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इन्हें लॉन्ग टाइम चलाने के लिए मैं इन्हें ड्राई रोस्ट करूँगी, तो इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है।
ब्रेड क्रम्स कैसे बनाए जाते हैं तो इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही इनमें कीड़े होंगे। तो देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स टोस्ट हो गए हैं, तो अब मैं ब्रेड क्रम्स को छान लूँगी। छानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम रोस्ट करते हैं तो अगर कुछ भी जल जाता है तो वो छानने से निकल जाता है, तो इन्हें मैं छान लूँगी। और देखिए छानने से ये इतना ये निकला है, तो इसे मैं फेंक दूँगी। और देखिए अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो अब मैं इसे भर लूँगी डिब्बे में। तो एयर टाइट कंटेनर में इसे भर कर आप किचन में कहीं भी रख दीजिए, और आप इसे किसी भी रेसिपी में यूज करिए कभी भी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे 6 महीनों तक। तो देखिए है ना बहुत काम की टिप्स। तो अब हमारी 5वीं किचन टिप है केले के बारे में। तो केले जब भी हम मार्केट से लाते हैं तो ये इस तरह से होते हैं, बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे क्लीन, और ये नेक्स्ट डे ही ख़राब हो जाते हैं। ख़राब क्या एकदम अजीब से हो जाते हैं, तो उस तरह से ना हो ये, तो उन्हें उस तरह से बचाने के लिए मैं आपसे एक टिप शेयर करूँगी। और ये केले इस तरह से हो जाते हैं नेक्स्ट डे ही, तो कितना भी कुछ भी कर लें, कहीं भी फ्रिज में रखें कहीं भी रखें, बट ये इस तरह से हो ही जाते हैं। तो हमारे केले ख़राब ना हों तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊँगी, और ये टिप्स मैंने इसीलिए आपसे शेयर करी हैं सारी टिप्स कि आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए इस तरह से मैंने एक पॉलीथीन ली है, तो जिसमें हम केले लाते हैं मार्केट से वही पॉलीथीन ले लें या फिर कोई भी पॉलीथीन लें, और यहाँ से एक गैस निकलती है जिससे हमारे केले जल्दी पक जाते हैं। तो ये पॉलीथीन ले लें या फिर एल्युमिनियम फॉइल ले लें या फिर आप पेपर ही ले लें न्यूज़पेपर, तो इस तरह से यहाँ पे इसको रैप करना है। तो इसे अच्छे से रैप कर देंगे, तो इसी पॉलीथीन से हम इसे रैप करेंगे अच्छे से टाइटली। तो इसे अच्छे से टाइटली से रैप कर देंगे, और मेरे पास ज़्यादा केले थे बट मैंने इतने ही आपको दिखाए हैं, क्योंकि एक साथ ज़्यादा केले ना रैप करें क्योंकि अच्छे से हो नहीं पाता है, 4 से 5 या फिर 6 से ज़्यादा केले एक साथ ना रैप करें, तो हो सके तो 2-2 केले रैप करें। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे पॉलीथीन से रैप कर दिया है, तो अभी अच्छे से रैप हो गया है, बहुत टाइट रैप करना है। तो देखिए अभी अच्छे से रैप हो गया है, अब आप चाहें तो यहाँ पे एक रबर बैंड भी लगा सकते हैं इस तरह से, तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे एक रबर बैंड लगा दूँगी, और अब ये केले आप कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी फ्रिज में रख दीजिए या फिर कहीं भी, तो आप जल्दी से नहीं पकेंगे और ना ही ये ख़राब होंगे। तो फ्रेंड्स ये टिप्स बहुत ही काम की है, तो इस तरह से आप केलों को अच्छे से लॉन्ग टाइम चला सकते हैं। और कभी भी आपको केले इसमें से निकालने हैं तो एक केला निकालिए और फिर से वैसे ही रैप कर दीजिए, तो है ना काम की टिप्स। तो अब हमारी 6 किचन टिप है बर्तनों के बारे में, न्यू बर्तन। जब भी हम नए बर्तन लाते हैं मार्केट से तो इस तरह से लेबल लगे होते हैं, तो इन्हें इस तरह से आसानी से छुड़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि ये नहीं छूटते हैं, देखिए इस तरह से टूट जाते हैं। तो इन्हें छुड़ाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी, हल्का सा 4 से 5 सेकेंड के लिए इसे गर्म करेंगे, और जब ये गर्म हो जाएगा तो ये आसानी से छूट जाएगा, तो हमारा इससे बर्तन भी नहीं ख़राब होगा और बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं लगेंगे। तो देखिए अभी गर्म हो चुका है तो अब इसे छुड़ा देंगे, तो देखिए कितनी आसानी से छूट गया और बिल्कुल भी हमारा बर्तन भी नहीं ख़राब हुआ है, तो इस तरह से इसे भी छुड़ा देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा काम की टिप्स है, तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं बट बहुत काम की हैं, ये सब हम लोगों को आनी चाहिए और इससे किचन का काम बहुत आसान हो जाता है। तो अब हमारी 7 टिप है लहसुन के बारे में, क्योंकि लहसुन छीलना बहुत ही बड़ा काम होता है, और अगर लहसुन छीला रखा हो तो सब्ज़ी आसानी से बन जाती है, तो कभी भी सब्ज़ी हम आसानी से बना सकते हैं, बट लहसुन छीलना हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी जिससे आपका लहसुन बहुत ही जल्दी से छिल जाएगा, और बहुत सारा लहसुन आप मिनटों में छील सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है, तो मैं थोड़ी सी कलियाँ ही आपको छील के दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने इतनी आधी लहसुन की कलियाँ छीली हैं, तो इन्हें मैं इस तरह से रोस्ट कर लूँगी। तो इन्हें रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो इसका छिलका है थोड़ा सा टाइट हो जाए
और हमारा जो लहसुन है आसानी से छिल सके। तो देखिए ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप इसे कभी भी यूज कर सकते हैं। आधा किलो एक किलो लहसुन एक साथ आप छील सकते हैं मिनटों में। तो देखिए अब ये रोस्ट हो गया है, तो अब मैं इसे छील के दिखाऊंगी। तो गरम गरम ही छीलना है इसे। तो देखिए बस पलक झपकते ही देखिए छिल जाता है लहसुन, और बहुत आसान। जब बड़ी बड़ी कलियाँ होती हैं तो बहुत ही आसानी से छिलता है, और छोटी छोटी कलियाँ भी छिल जाएंगी आसानी से। तो देखिए इस तरह से आप ये काम जो घंटों का है वो मिनटों में कर सकते हैं। तो देखिए छिल गया है हमारा लहसुन, और इसी तरह से आप इसको भिगा के भी छील सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको पानी में भिगा दिया है, तो 2 मिनट के लिए मैं इसे पानी में भिगाऊंगी, फिर इस तरह से आप इसको आसानी से छील सकते हैं। देखिए इस तरह से भी आसानी से छिल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है लहसुन छीलने का। तो इस तरह से आप लहसुन छील के रख लीजिए बहुत सारा एक साथ, और कभी भी आप उसे यूज करिए सब्जी में। तो देखिए ये मैंने छीला है भिगा के, और ये छीला है मैंने रोस्ट करके। तो दोनों तरह से मैंने आपको छील के बताया है, और बहुत ही आसान तरीका है। तो अब हमारी 8th टिप है, वो है नाइफ़ के बारे में। क्योंकि जब भी मार्केट नहीं खुली होती है तो कभी भी नाइफ़ में धार करानी है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि घर पे धार आसानी से कैसे करें। तो इस तरह से कप ले लीजिए, चाय वाले कप, तो उसको इस तरह से उल्टा कर लीजिए, वो पीछे की साइड से उसे इस तरह से धार करिए, और धार आसानी से हो जाती है। हमारा नाइफ बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। तो देखिए इस तरह से इसको इस पर रगड़ते हैं, और रगड़ने से हमारी धार चाकू की तेज हो जाती है। तो इसे 1 या 2 मिनट के लिए ऐसे करना है। तो अब देखिए मैं आपको एक प्याज काट के दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से कट रहा है। अब नाइफ़ की धार बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, और इस तरह से आप इस टिप्स को अपना सकते हैं, और इससे अपना काम भी चला सकते हैं, और टाइम भी बचेगा और पैसे भी। हमारी 9th टिप है आलू के बारे में। तो आलू इस टाइम ऐसे हो गए हैं कि आलू जब भी मार्केट से लाओ तो उसमें इस तरह से स्प्राउट्स हो जाते हैं, इस तरह से ये छोटे छोटे से निकल आते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ना हो, और देखिए इस तरह से हर आलू में है ये, तो इस तरह से ना हो, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी। और ये आलू खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं, अगर ये स्प्राउट्स बड़े बड़े हो जाते हैं तो इस तरह से मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी जिससे ये स्प्राउट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये सेब है, तो सेब बहुत अच्छा होता है इसके लिए। तो सेब को इस तरह से आलूओं में रख देंगे, और इसे रखने से जो इसमें ये स्प्राउट्स निकलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, तो इनकी ग्रोथ यहीं पर रुक जाएगी। और अब हमारे आलू एकदम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो इस तरह से आप ये टिप्स अपना के आलूओं के जो स्प्राउट्स निकलते हैं उनको निकलने से रोक सकते हैं, तो अब इसमें स्प्राउट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब हमारी 10th किचन टिप है चावल के बारे में। तो चावल भी ऐसे हैं कि इनमें भी कीड़े हो जाते हैं, और ये कीड़े ना हों उसके लिए हम क्या करें। तो ना ही हम इन्हें चावल को सुखा सकते हैं धूप में, क्योंकि सुखाएंगे तो ये टूट जाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे जब हम इन्हें कुक करेंगे, तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इन्हें यही करना होगा कि ऐसा कुछ करें कि जिससे इनमें कीड़े ना हों। तो इसके लिए मैंने ये पत्तियाँ ली हुई हैं, तो इन पत्तियों का यूज़ आप दाल में भी कर सकते हैं, दाल में भी कभी कभी कीड़े हो जाते हैं। तो देखिए इन पत्तियों को मैं इस तरह से तोड़ लूँगी, अलग कर लूँगी। आप चाहें तो इसी तरह से पत्तियाँ रख सकते हैं, बट मैं तोड़ रही हूँ तो मैं इन्हें तोड़ लूँगी इस तरह से। और मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है, सुखा लिया है, तो अब मैं इन्हें इन चावल में रख दूँगी, और इन्हें चावल में अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि ये अंदर तक चली जाएँ। तो मैंने आपको थोड़े चावल में करके दिखाया है। तो देखिए इस तरह से मैं रख दूँगी, और जिसमें मैंने चावल स्टोर किए हैं उसी में मैं इन्हें डाल दूँगी। तो इन पत्तियों को इसमें मिक्स कर दूँगी चावल के साथ ही, और ये पत्तियाँ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, और इनकी खुशबू से कीड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे चावल में। तो इस तरह से मैं इन्हें मिक्स कर दूँगी।
आई होप आप लोगों को मेरे ये किचन टिप्स अच्छे लगे होंगे, बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये कटोरी भी मैं इसी में रखती हूँ, तो इससे मैं नाप के चावल बनाती हूँ, वैसे ही मैं नाप के पानी रखती हूँ, तो चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये छोटे छोटे किचन टिप्स हैं, बट बहुत काम के हैं, सभी को पता होने चाहिए, इससे काम आसान हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।